पर बातचीत करते करते हुए कहा था कि चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों तरह से यही बात हुई थी कि चर्चा में कोई अच्छा सुझाव आए जैसे भविष्य में हम अगले दिनों की तैयारी भी कर सके और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जिस पेंडेमिक में हमें उपयोगी हो। लेकिन चर्चा प्रारंभ हुई तब से मैंने देखा शुरुआत से ही उसमें जो कुछ फायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे राज्य ने किया, और कुछ अच्छा नहीं हुआ या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो ये मोदी जी की कमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने, जिस मुख्यमंत्रियों ने या जिस राज्य सरकार ने, मैंने मोदी जी ने भी सराहा है। प्रधानमंत्रियों की मीटिंग में भी मोदी जी ने जिस मुख्यमंत्री ने अच्छे इनिशिएटिव लिए उसकी सराहना भी की है और होनी भी चाहिए। सरकार एक चपरासी से लेके हमारे लास्ट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके प्रधानमंत्री तक सब मिलके एक सरकार होती है, और इस सरकार की जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तब ये मिली जुली जिम्मेवारी होती है। हम सब जानते हैं और हम सब बात भी करते हैं, लेकिन भी पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। कोई ना कोई जगह पे पॉलिटिक्स हो ही हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जब से पेंडेमिक प्रारंभ हुआ तब से आज तक हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि ये क्राइसिस ये पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये बात को हमने स्वीकारा है और हमने कहा भी, मैं मेरी रिप्लाई में भी, कोई जगह पे पॉलिटिक्स करने वाला नहीं हूं। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। और इसलिए जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है। हमें संकल्प करना है। और इसलिए माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात को स्वीकारते हुए 20 बार राज्यों से बातचीत की है, मीटिंग की है, उसका सुझाव लिया है, और सुझाव के आधार पर जो निकला है इस तरह से एक क्राइसिस का सामना किया है। इस तरह से सुझाव में जब मुख्यमंत्री लेवल से कोई विषय रखा जाता है तो मोदी जी ने विषय को गंभीरता से लिया है। एक बार बात आई कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप हमें केवल स्टेट को आप ही सब करें और स्टेट को कोई इजाजत ना दे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा स्टेट भी इनिशिएटिव ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चल रहा था वैक्सीन वाला विषय तब ये बात आई कि भाई वैक्सीन हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, भारत सरकार लाती नहीं और हमें इंपोर्ट करने की छूट देती नहीं है। मोदी जी ने कहा कोई भी राज्य इंपोर्ट करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम भारत सरकार की ओर से दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन भी कोई स्टेट को मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो ला सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला लेकिन कोई कंपनी यहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को देने के लिए आगे नहीं आई। जब जब जिस जिस समय पर जिस जिस राज्यों ने जैसे जैसे जब लॉकडाउन लगा था और कहा कि स्टेट के पर प्रधानमंत्री जब स्टेट पर छोड़िए, स्टेट अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेट अपनी ओर से भी लॉकडाउन लगाएंगे, मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्टेट भी एक जिम्मेदार सरकार होती है, वो भी अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार वो लॉकडाउन लगाए। तो बाद में सेकंड वेव में सभी स्टेट ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किया और मोदी जी ने कई बार कहा है कि देश आज जहां पहुंचा है, यहां देश आज जो स्थिति में है वहां पहुंचाने में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सहयोग है। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इसलिए ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन से स्थिति है
उसमें हम अगले दिनों में साथ में मिलकर कैसे काम करें और उसके लिए क्या क्या भारत सरकार ने किया। आप लोगों ने जो यहाँ कुल मिला के प्रश्न हमारे सामने रखे, या तो आपकी बात से 25 से ज्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसमें लॉकडाउन पहले क्यों लगाया, ऐसे जल्दी नहीं लगाना चाहिए था, ये बात आई। एक ये भी बात आई कि आप मृत्यु आंक क्यों छुपा रहे हो, आप में से वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था, मेडिसिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पॉलिसी आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, थाली ताली की भी बात आ गई, बच्चों के लिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी बात आ गई, और तीसरी वेव की बात आई और प्रवासी मजदूरों की बात आई। इतने विषय पर आप लोगों ने, खास करके जिन्होंने उसमें से कई अच्छे सुझाव भी आए, कई लोगों ने इस विषय को लेके जैसे यहां पॉलिटिक्स किया ऐसा बाहर भी पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन मैं बिंदु पर जब आपको बात एक एक विषय को लेके बात करना चाहूंगा, तब जब यहां देश में पहला केस जब दर्ज हुआ था 13 जनवरी 2020 को जब पहला केस देश में आया, मोदी जी उससे पहले जब दुनिया में बीमारी फैलने लगी थी तब उन्होंने हमें अलर्ट किया था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये महामारी जो हिंदुस्तान में आ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए मैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री देखता था, और उस वक्त जिस कंट्री में वायरस फैला हुआ था इस कंट्री से वेसल्स आए तो वहां उसका स्कैनिंग करो, ऐसी सूचना हमें मिली थी। वैसे ही एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट होता है, स्कैनिंग करो, सभी जगह पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया था। वैसे ही बॉर्डर, कई देश से हमारी छठी हुई बॉर्डर पर भी स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी लोग आ जा सकता है। ये सारी व्यवस्था जब देश में, दुनिया में, हिंदुस्तान में पहला केस दर्ज हुआ तब से शुरू की गई थी, बार बार एडवाइजरी निकाली गई थी। एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए जब हमारे यहाँ बात होती है कि ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया और ये नहीं हुआ, करना किसको होता है, देश का होता है। जैसा अनिल शर्मा जी ने बताया कि 30-30 स्टेट बन के एक राष्ट्र बनता है तब जाके एक देश बनता है। हमारी फेडरल डेमोक्रेसी में हमारी भारत सरकार क्या है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्टेट की कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन होता है कहां और किसके लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है, देश के 100 करोड़ की नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई भी स्टेप हो उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए कहां कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है विषय नहीं होता है। और इसलिए जब सामूहिक से काम करने की आवश्यकता होती है उस वक्त इंप्लीमेंटेशन जब स्टेट को करना होता है, हमने कभी नहीं कहा ये स्टेट फेल हो गया, ये स्टेट ने ये नहीं कहा। यहाँ कई लोगों को मैं बता सकता हूं, मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कई स्टेट के पास आज 10 लाख वैक्सीन पड़ा है, मेरे पास यहाँ आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता, कई स्टेट के पास पड़ा है, और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहां मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो, वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहाँ स्टेट में है उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना होगा ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। और 3 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था कि भाई एक क्राइसिस के सामने हम हिंदुस्तान में कैसे लड़े, उसके पर आप विचार करो, उसके पर चर्चा करो, उसके आधार पर आप सुझाव दो, ये सुझाव तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके लिए काम करो। ये सब सुझाव एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव, नंबर ऑफ एजेंसीज, नंबर ऑफ सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आती थी, और ये स्थिति में जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया,
जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी, हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड तो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे 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 ये व्यवस्था खड़ी कर दिया। और उस वक्त फर्स्ट वेव में मैंने देखा है, उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पारासीटामोल चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था, हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे। इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा, हमने ये प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहां चल रही थी, हमारे यहां कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई, और उस वक्त हम क्या बोलते थे कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन ये पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये लगा ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की सेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। ये स्थिति में हमने यहां वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें यह भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं, और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ, हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की, शुभ की भी बात करते हैं, हमारा भला होना चाहिए लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए, ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान, ये महामारी के दरमियान ये भाव निर्माण किया। और जब यहां बात हुई, जिस तरह से जिस स्थिति निर्माण हुई थी, इस स्थिति में सर 130 करोड़ की जनता लॉकडाउन लगा हुआ हो, आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में छोटा छोटा पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा था तो एजिटेशन हुआ था, रोड सड़क पर निकले थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब दुनिया में भूतकाल में भी महामारी आई, भूतकाल में जब महामारी आई, तब दुनिया में महामारी से मरे उसे ज्यादा लोग भूखमरे से मरे थे। ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम और
लाभ शुभ की संस्कृति है ना। मोदी जी ने कहा सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके वो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लाभ शुभ मींस दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो एक साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी कंपनी हो उन्होंने चैरिटी चालू कर दिया, सभी एनजीओ ने चैरिटी चालू कर दिया, स्थानिक लोकल इकाई ने चैरिटी चालू कर दिया, सब लोगों ने अपनी ओर से जो भी हो सके मदद के लिए लोगों ने किया। कोई व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को भूखे सोना ना नहीं दिया। ये हमारी लाभ शोक की संस्कृति के आधार पर संभव हुआ और ये उजागर मोदी जी। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर, आपने यहां के कमेंट आई थाली ताली थाली बजाई, यहां बात हो गई ताली बजाई, क्यों बजाई? कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई थाली। ताली हमने बजाई क्यों बजाई? जो रोड पे खड़ा होके देश की राज्य की सुरक्षा में देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिस कर्मी के लगाए, जो हॉस्पिटल में छोटा काम करने से लेके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जिन लोगों ने एक कोरोना पेंडेमिक में अपनी ड्यूटी अदा की उसके सम्मान के लिए बताया। मैं भारत सरकार के मंत्री हूं, उसके पहले मैं एक बेटी का बाप हूं और मेरी बेटी जब कोविड क्राइसिस में इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी और उसके बाप के उसके पिता के और उसकी माता की क्या स्थिति होती है, मेरी बेटी वहां काम कर रही है, कोविड फैल रहा है और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि तीन ताली का क्या महत्व है। हमारा हौसला बढ़ाते थे ताली, ये थाली का टंकार हमारा हौसला बढ़ाते थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए थाली और ताली का महत्व था। और एक किया तब जाके देश कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हुआ और उसको अच्छी तरह से लड़ सके। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु, यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारा हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है, मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए, नहीं, बताने का ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और एक केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक यहां विषय वैक्सीन का आया है, तो जब मैं वैक्सीन की बात करूं उसके पहले मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं, और आपको यह मानना पड़ेगा और हमें एक गौरव भी महसूस करना है। ये देश में जब पैंडामिक शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने सोचा कि इतनी आबादी वाला देश है और जिस देश में रिसर्च होगा तो वैक्सीन पहले तो वो ही ले लेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा वो वैक्सीन स्वाभाविक तौर पर पहले ले लेंगे, तो हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश क्या किसी के भरोसे पे बैठा रहेंगे?
नहीं रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। ये कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जाम्पल है। और अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट के साथ बातचीत किया, कंपनियों के साथ बातचीत किया, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया। उसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करने के लिए, संयुक्त रूप में रिसर्च करना है तो भारत सरकार ने उसको सपोर्ट किया। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भारत बायोटेक एंड सीरम दो कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजिनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है, इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की आवश्यकता है। जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, हमारे देश की क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया सभी स्टेट ने, हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ। और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार ये कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में मैं स्वयं सभी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ जाके आया, दो दो तीन तीन चार चार घंटे लंबी बातचीत करके आया। उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बाहर से लाने की आवश्यकता हो तो विदेश मंत्रालय से बातचीत करके, जयशंकर जी दुनिया के साथ बातचीत की, दुनिया ने भी अच्छी तरह से हमें सहयोग किया और हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कहाँ रुके नहीं, उसके लिए काम शुरू हुआ। मोदी जी स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, वैक्सीन में रिसर्च करने वाली कंपनी की स्वयं मुलाकात ली, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का हौसला बढ़े, उसको कुछ कहना है तो कह सके, केवल टेलीफोन से बात नहीं किया, स्वयं जाके आई है। उसके बाद मैं बार बार उसका फॉलोअप लेता रहा और आज हिंदुस्तान गौरव महसूस करेगा। दुनिया की वैक्सीन तो $10 की होगी, $12 की होगी, ये $2 वाली है। और जैसा इंडिया में प्रोडक्शन रैंप अप होगा और हिंदुस्तान में एक्सेस होगा ना वैक्सीन, तब वही वैक्सीन बिकने वाली है, क्योंकि दुनिया के लिए वो सस्ती होने वाली है, दुनिया की वैक्सीन महंगी है। और इसलिए सीरम वैक्सीन, उसका हमें रेगुलर 11 से 12 लाख डोज मंथली मिलना चालू हो गया है। अब 11 से 12 करोड़ डोज हमें मंथली मिलना चालू हो गया है। हमें जून महीने में 10 करोड़ मिले थे, ये महीने में मुझे 11.5 करोड़ दे रहे हैं। कंटिन्यू से 11 से 12 करोड़ के बीच में हमें देते रहेंगे। वैसा ही भारत बायोटेक, उसका मैन्युफैक्चरिंग धीरे 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 बढ़ रहा है। विश्व के सबसे बड़ा रिएक्टर उन्होंने बेंगलुरु में लगाया है, उसका प्रोडक्शन अगले ये महीने में, यहां मैं कई बार बात ये भी सुनता हूं, भारत सरकार ने प्रिडिक्शन दिया था, लेकिन कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि भारत बायोटेक का प्रोडक्शन तो इतना होगा ही नहीं, एक बैच फेल हो गई। ये बायोलॉजिकल व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है, फेल हो गई तो उसका प्रोग्राम जिस महीने में उसको मुझे देना था 3 करोड़, वो नहीं दे पाए। हो सकता है वो अगले महीने में देंगे, उससे इससे हमारा प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत बायोटेक, उसके साइंटिस्ट में जाके मिला, मुझे गौरव हुआ, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, वो देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। उसका प्रोडक्शन आज हमें जुलाई महीने में 2.5 करोड़ मिलेंगे, अगस्त महीने में वो 3.5 करोड़ की रफ्तार से हमें देना शुरू कर देंगे। उसके अलावा ये लोग बार बात करते थे और यहां भी बात हुई कि वैक्सीन सभी को बना प्रोडक्शन देने की मंजूरी दे देनी चाहिए। वैक्सीन प्रोडक्शन है, वो सभी नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स करने वाले लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 3G लैब चाहिए, उसका एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब आज हम प्रारंभ करेंगे वैक्सीन बनाना है, ऐसा मैं आज तय करूं और मेरे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो तो भी प्रोडक्शन में आने में 1 साल लग जाती है, 1 ईयर लग जाता है। दूसरा, जिसके पास इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
ऐसी सभी कंपनी को हमने भारत बायोटेक के साथ बिठाया, हमने कहा कि आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, अब उसको मदद करो, ये देश की रिक्वायरमेंट है। भारत बायोटेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे पीएसयू भी उसमें लग गए, इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, महाराष्ट्र के हफकिन, बिपकॉल, गुजरात की हेस्टर, ये सभी कंपनी को आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, उसका एमओयू हो चुका है, वो भी अगले दिनों में प्रोडक्शन में आएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे।